ओके ओके अब न्यू थ्योरी स्टार्ट करेंगे विगास्टी विगास्की ये विगार्ड तीन लफ्ज एक नाम में जो है तकरीबन तीन तरह के वो यूज हुए हैं वी गार्ड्स की ठीक है विगार्ड्स की सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव ठीक है अ कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपोजिंग पर्सपेक्टिव जो है मतलब जो उसके ऑपोजिट है पियाजे के रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो है विगार्ड्स के सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव और सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव क्या चीज है सोशो कल्चर थ्योरी क्या है इज इन विच चिल्ड्रन एक्वायर देयर कल्चर वैल्यूज जिसमें बच्चा क्या करता है वो गेन करता है एक्वायर करता है अपने कल्चर वैल्यूज को बिलीव को एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज को थ्रू कोलैबोरेटिव डायलॉग्स टू कोलैबोरेटिव मीन शेयरिंग डायलॉग्स विद मोर नॉलेज एबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ठीक है तो सोशल कल्चरल थ्योरी क्या चीज है जिसमें बच्चा एक्वायर गेन करता है कल्चर वैल्यूज को बिलीव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज को किस चीज के थ्रू टू शेयरिंग डायलॉग्स विद नॉलेजेबल उन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के साथ जो कि जिनके पास ज्यादा नॉलेजेबल हो एक खास या स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए ठीक है This Russian developmentalist was an active scholar in the 1920s and 1930s when Piaget was formulating his theory. ये Russian developmentalist जो था Vygotsky, ये एक active scholar था 1920 and 1930 में जब Piaget ने क्या किया था formulate किया था अपनी theory को. Unfortunately, Vygotsky जो है वो उसकी death हो गई थी at the age of 30 before His work was complete. लेकिन मरने से पहले पहले उसने जो है ना काफी सारी चीजें जो है ना हमारे सोच के लिए जो है वो छोड़ी हुई थी मसलन अगर हम देखें तो वो उसने क्या कहा है that growth occurs in social culture contexts, जो कि influence करती है the form it takes. जो cognitive growth होती है या जो cognitive form हम जाके achieve करते हैं तो वो basically किस चीज की वजह से होती है क्योंकि कॉग्निटिव ग्रोथ जाके सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में होती है और उस वजह से हम जो है फिर वो कॉग्निटिव फॉर्म जाके ले लेते हैं हमारे कॉग्निटिव फॉर्म जाके उस तरह बन जाती है मैनी ऑफ अ चिल्ड्रन जिनकी जो मोस्ट नोटवर्थी कॉग्निटिव स्किल है वो इवॉल्व करती है किस चीज के फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन विद पेरेंट्स टीचर्स एंड अदर मोर कॉम्पिटेंट एसोसिएट ठीक है जो बच्चों की जो नोटवर्थ कॉग्निटिव स्किल्स है वो कहाँ से आ रही है कहाँ से डिवेलप हो रही है वो बेसिकली सोशल इंटरेक्शन जब हमारी फैमिली के साथ हो रही होती है पेरेंट्स फ्रेंड्स टीचर्स या और कोई एल्डर्स जो कि ज्यादा कॉम्पिटेंट और एसोसिएट हो ठीक है द रोल ऑफ कल्चर इन इंटेलेक्चुअल डिवेलपमेंट द क्रूज क्रूज कहते हैं मेन पॉइंट या जो एसेंस है एसेंस मेन जो बुनियाद होती है द क्रूज ऑफ द सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव एज एडुकेटेड और प्रमोटेड जो कि प्रमोट किया है विगोस्की ने वाज दैट चिल्ड्रन की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो क्लोजली लिंक्ड है किस चीज के साथ उनके अपने कल्चर के साथ ठीक है चिल्ड्रन डू नॉट डिवेलप द सेम टाइप ऑफ माइंड ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों की जो माइंड है बच्चे जो है वो डेवलप नहीं करते किस चीज को सेम टाइप ऑफ माइंड ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ऑलरेडी पता लगा होगा कि हर जगह की जो है ना अपनी कल्चर होती है और अपने वे से जो है ना बच्चे जाके डील कर रहे होते हैं चिल्ड्रन डू नॉट डिवेलप द सेम टाइप ऑफ माइंड ऑल ओवर द वर्ल्ड बट लर्न टू यूज देयर ब्रेन एंड मेंटल एबिलिटीज बट ये चीज है कि वो क्या करते हैं लर्न करते हैं कि वो जाके अपने ब्रेन को यूज करे और अपने मेंटल एबिलिटीज को यूज करे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और अपने सराउंडिंग्स को जाके इंटरप्रेट करे जो कि इनकंसिस्टेंट होते हैं कनेक्ट होते हैं किस चीज के साथ विद द डिमांड्स एंड वैल्यूज ऑफ देयर कल्चर के साथ For Vygotsky, human cognition जो है वो inherently sociocultural होते हैं inherently means genetically sociocultural होते हैं जो कि affect होते हैं by the belief, values and tools of intellectual adaptations ठीक है और ये passed होते हैं किस कैसे to individuals by their
culture, ठीक है. And because the these values and intellectual tool may be very substantially means significantly, ठीक है, vary करते हैं significantly from culture to culture. Values जो बच्चे में individual में pass हो रही है ना, tools of intellectual adaptation, values of belief, ये significantly vary करती है from culture to culture. Because she believe करता है कि neither the course nor the content of intellectual growth was as universal as Piaget assumed. Vygotsky ये समझता है, believe करता है कि जो course है या जो content of intellectual growth है वो universal नहीं है जिस तरह Piaget ने assume किया था. इसके बरक्स ये इसका basically जो मतलब आ रहा है वो ये है कि जिस तरह मैंने आपको कहा है कि कल्चर टू कल्चर जो है वैल्यूज बिलीफ चेंज होती है, कल्चर चेंज होते हैं, तो उसके मुताबिक हर इंसान की डिफरेंट कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रही होती है. विकास्की प्रपोज दैट वी शुड एवेल्युएट डेवलपमेंट. विकास्की ने प्रपोज किया था कि हम जाके एवेल्युएट करें डेवलपमेंट को, किस चीज के, फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ इंटर रिलेटेड लेवल्स, इंटरेक्शन विद चिल्ड्रंस एनवायरमेंट. फोर इंटररिलेटेड लेवल्स है इंटरेक्शन में जो कि चिल्ड्रन की एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं. इसमें ऑन्टेनोजेनिक आ जाता है, माइक्रोजेनेटिक आ जाते हैं, फाइलोजेनेटिक आ जाता है एंड सोशियो हिस्टोरिकल आ जाता है. ऑन्टेनोजेनेटिक डेवलपमेंट वो होती है जो कि डिवेलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ओवर लाइफ टाइम हो रही होती है, ठीक है, मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक जितनी उम्र है उसकी, वो जितने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में जो है ना चेंजेस आ रही होती है उसे हम ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट कहते हैं. माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट वो है जो कि चेंजेस अकर हो रही होती है इन अ रिलेटिवली ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, सच एज द चेंजेस, वो चेंजेस जो कि ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम में आपको शो हो रही होती है उसे हम माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट कहते हैं. अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें, सच एज द चेंजेस दैट वन मे सी इन अ चाइल्ड सॉल्विंग एडिशन प्रॉब्लम every week for 11 consecutive weeks, ठीक है. तो आप जब बच्चे को स्कूल भिजवाना स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको अपने बच्चों में भी जो है ना चेंजेस नजर आ रहे होते हैं, वो लर्न कर रहे होते हैं. ये भी एक एनवायरनमेंट है ना, एक कल्चर उन्हें जो है ना स्कूल का मिल रहा होता है, ठीक है. तो 11 consecutive weeks में अगर आप लोग देखें तो उनकी मेमोरी स्ट्रेटजीज में भी जो है ना जाके चेंजेस आ जाते हैं. और अगर आप एक 5 different trials उन्हें देखें और अ कोर्स ऑफ 20-minute सेशन, तो उसमें भी जो है ना इसकी टेम्परेरी चेंजेस एक टास्क कंप्लीशन रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है. तो ये बेसिकली क्या है, माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट है जो कि ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम में जो है आप वो चेंजेस देख रहे होते हैं एक बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में. फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट वो चेंजेस है जो कि एवोल्यूशनरी टाइम के साथ कनेक्ट हो और हम उसे जाके मेजर करते हैं इन 1000 and even million ऑफ ईयर्स के साथ प्रेजेंट को हम जाके कंपेयर करते हैं कि कैसे चेंजेस आई है. हेयर विगोस्की एंटीसिपेटेड मीन एक्सपेक्टेड द करंट एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव. यहाँ पे उसने जो है ना बेसिकली यूज किया हुआ है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव को, जो कि बिलीव करता है दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पीशीज हिस्ट्री कैन प्रोवाइड. जो अंडरस्टैंडिंग जो स्पीशीज हिस्ट्रीज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इनसाइड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं इनटू चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है. स्पीशीज हिस्ट्री को अगर हम अच्छी तरीके से समझेंगे तो वो हमें प्रोवाइड करेंगे इनसाइड, डीप इनसाइड जो है, या एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंट दैट कैसे एवोल्यूशनरी टाइम से लेके अभी प्रेजेंट तक ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर चेंजेस आई हैं. इसके लास्ट वन है सोशियो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. सोशियो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो आजकल बेसिकली है रेफरेंस टू द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन वन्स कल्चर एंड द वैल्यूज. आप लोग अपने कल्चर को देखे कितने चेंजेस आए हैं, ठीक है, पहले किस तरह होता था आप किस तरह है. तो ये आजकल जो डेवलपमेंट हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के हो रहे होते हैं, क्या कैपेसिटी के, तो ये टोटली इस चीज पे डिपेंड करता है.
ये आपके सोशो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो रहे होते हैं। इट रेफर्स टू द चेंजेस, चेंजेस इसमें हो रहे होते हैं, डेट हैव अकर, किस चीज में अकर हो रहे होते हैं, इन वंस कल्चर और जो वैल्यूज नॉर्म्स और टेक्नोलॉजी है, सच अ हिस्ट्री हैज जनरेटेड। ठीक है, इट इज दिस सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव दैट मॉडर्न डे रिसर्चर्स हैव एम्फसाइज मोस्ट अबाउट प्रिकॉशनरी आइडियाज। यही सोशो जो सोशो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसी इसी की बेस पे जो मॉडर्न डे रिसर्चर्स है उन्होंने एम्फसाइज किया हुआ है विकास रिगार्ड्स की के आइडिया को। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं द सोशल ऑरिजिन ऑफ अर्ली कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज एंड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। विगास्ट की एग्री विद पियाजे दैट यंग चिल्ड्रन आर क्यूरियस एक्सप्लोरर हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड डिस्कवरिंग न्यू प्रिंसिपल। विगार्ड्स की ने बेसिकली एग्री किया था पियाजे के साथ, पियाजे के उस पॉइंट के साथ, दैट बच्चे जो है वो क्यूरियस एक्सप्लोरर्स है और इस पे जो है ना वो एक्टिवली इन्वॉल्व था दैट इन लर्निंग, जो कि जिसके बेस पे जो है ना वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इन लर्निंग में और डिस्कवर करते हैं न्यू प्रिंसिपल्स को रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट्स। हाउएवर अनलाइक पियाजे, विगार्ड्स के बिलीव करते हैं दैट मेनी ऑफ द ट्रूली इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज दैट चिल्ड्रन मेक अकर विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव डायलॉग्स बिटवीन अ स्किलफुल ट्यूटर। अच्छा, ये पूरा एक पॉइंट है, पहले मैं इस पॉइंट को पूरा आपको वो कर लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हाउएवर अनलाइक पियाजे, विगार्ड्स के बिलीव दैट मेनी ऑफ द ट्रूली इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, जो बहुत काफी जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज जो है वो बच्चों में आ रहे होते हैं, वो किस चीज के लिहाज से आ रहे होते हैं, दैट चिल्ड्रन मेक विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव डायलॉग, जो बच्चों में आ रहे होते हैं विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जब वो कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव डायलॉग उनकी चल रही होती है किस किस के साथ, बिटवीन अ स्किलफुल ट्यूटर। स्किलफुल ट्यूटर कौन होता है? एक मॉडल होता है जो कि एक्टिविटी एंड ट्रांसमिट करता है, जो किस चीज को, वर्बल इंस्ट्रक्शन को, एंड अ नोविस पीपल जो न्यू लर्नर्स होते हैं। ठीक है, हु फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड ट्यूटर इंस्ट्रक्शन, जो पहले सीखता है और अंडरस्टैंड करता है अपने ट्यूटर्स के इंस्ट्रक्शन को और फिर इवेंचुअली इंटरनलाइज करता है, अडेप्ट करता है उस इंफॉर्मेशन को और फिर जाके यूज करता है उसे, यूज इट टू रेगुलेट हिज और हर ओन परफॉर्मेंस और फिर जाके उन इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करता है अपने अंदर, वो जाके वो परफॉर्मेंस वो क्या कहते हैं, वो एक्शंस जो होते हैं या वो एक्टिविटी होती है वो जाके परफॉर्म कर सके। इस पॉइंट की समझ आई है? जी सर। मैं फिर समझाता हूँ, खैर है जिसको क्लियर ना हो। विगास की ये बिलीव करता है कि जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज बच्चों में आती हैं वो किस वजह से आती है, वो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव शेयरिंग और कॉपरेशन जो हम शो कर रहे होते हैं उस तरह के डायलॉग्स की वजह से आ रही होती है। और ये कॉपरेटिव कोलैबोरेटिव डायलॉग किसके दरमियान होती है? बिटवीन स्किलफुल ट्यूटर होता है, स्किलफुल ट्यूटर एंड जो नॉविस पीपल होते हैं, नॉविस पीपल न्यू लर्नर्स को कहते हैं, नॉविस में न्यू पीपल लर्नर्स। ठीक है, तो स्किलफुल ट्यूटर एंड नॉविस पीपल के दरमियान जो है ना बेसिकली ये कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव डायलॉग होते हैं। अब स्किलफुल ट्यूटर कौन होता है? वो एक मॉडल होता है, वो मॉडल करता है एक एक्टिविटी को, ठीक है, बच्चे के लिए और फिर ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शंस टूवर्ड्स नॉवल पीपल। और नॉवल पीपल क्या है? जो कि फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं ट्यूटर्स अपने ट्यूटर के इंस्ट्रक्शन को और फिर इवेंचुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या करता है अपने ट्यूटर के इंस्ट्रक्शन को इंटरनलाइज करता है, सीखता है, अपने आप में अडेप्ट करता है और फिर उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को जाके यूज करता है कि वो जाके रेगुलेट कर सके अपने परफॉर्मेंस को। आप क्लियर है पॉइंट? जी अच्छा, इसके बाद लास्ट स्लाइड है इस लेक्चर का। To illustrate collaborative learning as Vygotsky view it, let's imagine that Tanya, a 4-year-old, has just received her first jigsaw puzzle. अगर हम जाके collaborative learning को देखें, जो कि Vygotsky ने अभी जाके वहाँ पे view की है पिछले slide में,
तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स इमेजिन दैट तानिया अ 4 ईयर ओल्ड हैज जस्ट रिसीव हर फर्स्ट जिग्सा पजल. तानिया एक बच्चे की एग्जांपल ली हुई है जिसने जो है ना रिसीव की है जिग्सा पजल एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर फादर. अब क्या होता है, शी अटेम्प्ट टू वर्क द पजल. उसने जो है ना अटेम्प्ट की है कि उस पजल को जाके वो करे, सॉल्व करे. बट गेट्स नो वेयर, बट उसे समझ नहीं आ रही थी अंटिल जाके जो है ना उसके फादर जाके उसके साथ बैठ गया और उसे जाके टिप्स देना स्टार्ट किया. He suggests that it will be a good idea. उसके फादर ने जो है ना ये सजेस्ट किया कि ये एक अच्छा आइडिया होगा कि हम क्या करें, पुट टुगेदर करें द कॉर्नर फर्स्ट. जो कॉर्नर साइड वाले की जो पजल पीसेस होते हैं उसे जाके पहले वो करें, टुगेदर करें. और द पिंक एरिया एट द एज ऑफ द वन कॉर्नर एंड से लेट्स लुक फॉर अनदर पिंक पीस. ठीक है, तो उसका फादर ये चाहता था कि उसने बेटी को ये कह रहा था कि लेट्स हम पहले कॉर्नर वाली पीसेस को कलेक्ट करते हैं उसके बाद दूसरे की तरफ जाते हैं. तो कॉर्नर वाली पीसेस जो थे वो पिंक एरिया था बेसिकली. और वो उसके बाद क्या करता है, एक पीस को लगाता है, देन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर पीस. तो उसकी वजह से जो उसकी बेटी थी तानिया, शी सीम फ्रस्ट्रेटेड. ठीक है, तो अब इसके फादर ने क्या किया है, उसने जो है ना दो इंटरलॉकिंग पीसेस को नियर ईच अदर जाके लगाया सो दैट वो बच्ची, उसकी बच्ची क्या करे, उसे जाके नोटिस करे. एंड व्हेन तानिया सक्सीड्स ही ऑफर्ड वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट. और जब फादर ने ये किया तो उसकी जो है ना थोड़ी सी मोटिवेशन, उसने जो है ना नोटिस करना स्टार्ट किया दैट कैसे करना है ऐसे. और उसके रिस्पॉन्स में जब तानिया एक पजल जो है उसमें जाके सक्सीड होती थी पीस में, तो फादर की तरफ से जो है ना वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट मिलते थे. ठीक है, एज तानिया ग्रेजुअली गेट्स द हैंग आउट ऑफ इट ही स्टेप बैक. जब तानिया उसमें जो है ना जाके इन्वॉल्व हो गई तो उसके फादर स्टेप बैक, वो जाके जो है ना उसे जो है ना अपनी बेटी को छोड़ दिया कि वो जाके खुद जाके अपने पजल को मोर एंड मोर इंडिपेंडेंटली जाके सॉल्व कर सकें. तो ये क्या है, ये बेसिकली एक किस्म की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिवेलपमेंट है. ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिवेलपमेंट मेरे ख्याल में नेक्स्ट जो लेक्चर अभी हम करेंगे उसमें जो है ना डिटेल से स्टार्ट करेंगे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिवेलपमेंट क्या चीज़ है एंड स्कैफोल्डिंग क्या चीज़ है, जो कि बिहेवियर लर्निंग में जो है ना काफ़ी काम आती है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर. कोई क्वेश्चन है? नो सर. चले 11:15 जो है हम दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे. ठीक है.